हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू क्रंची एंड मंची किचन। आज हम बनाने वाले हैं टमाटो सूप। उसके लिए हमें चाहिए 8 टमाटर से 9 टमाटर, यहाँ पे मैं मीडियम साइज़ के टमाटर ले रहा हूँ। और हमें चाहिए गाजर। गाजर मैंने यहाँ पे एक बड़ी और एक छोटी ली है और उसे अच्छे से कट कर लिया है, ठीक है। तो अब हम इसे एक कुकर में रखेंगे और हम इसे कुकर में रखेंगे 2 सीटी लगाने तक। तो चलिए शुरू करते हैं। अब हम इन टमाटर को धो लेंगे। अब हम टमाटर और कैरेट को गैस पे रख देंगे कुकर में 2 सीटी लगाने पे फुल गैस पे। मैंने 1 कप पानी में इनको डुबा दिया है। आप तब तक इन्हें डुबा देना जब तक आधे टमाटर पानी में ना डूब जाए। अब इसमें 2 सीटी लग गई है। अब हम इसे थोड़ी देर के लिए छोड़ देंगे ताकि ये ऐसे ही ठंडा हो जाए। उसके बाद हम इसे खोल के थोड़ी देर ठंडा होने रख देंगे। फिर अब हमारे टमाटर थोड़े से ठंडे हो गए हैं तो अब हम इन्हें निकालेंगे। अगर ये आप जब चिमटे से निकाल रहे हो अगर ये क्रश हो जाए तो भी प्रॉब्लम नहीं है। हम इसे एक ऐसे छलनी जैसे में रख लेंगे, फिर हम इसका छिलका निकाल लेंगे। आप थोड़ा इसे ठंडा होने देना क्योंकि ये काफ़ी गर्म होएगा। गाजर को मैंने छील लिया और गाजर को भी निकाल लिया है। अब हम इसे थोड़ी देर ठंडा होने देंगे, 5 से 10 मिनट। हम इसे रूम टेम्परेचर तक लाना चाहते हैं। अब हम टमाटर और इन कैरेट को एक मिक्सर में डाल के और थोड़ा सा पानी ऐड करके पीस लेंगे। अब हम इसमें थोड़ा सा पानी ऐड करके इसे मिक्सर में चला देंगे तब तक जब तक ये अच्छे से पिस ना जाए। अब टमाटर और गाजर अच्छे से पिस चुका है। अब हम एक पैन लेंगे और उसमें थोड़ा सा बटर ऐड कर देंगे। एक बार बटर मेल्ट हो जाए तो उसके बाद हम इसमें हमारा टमाटर और कैरेट का प्यूरी ऐड कर देंगे। हम एक छलनी की मदद से इन्हें छान के डाल देंगे तो अगर थोड़ा भी कैरेट और हमारा गाजर नहीं पिसा हो, कैरेट और हमारा टमाटर नहीं पिसा होगा तो वो इधर छलनी से निकल जाएगा। अगर आपका सूप का मिक्स थोड़ा सा ज़्यादा गाढ़ा हो रहा है तो आप इसमें थोड़ा सा पानी मिला सकते हो। मैं भी इसमें यहाँ पे थोड़ा सा पानी मिला दूंगा। हम इसको मिलाते रहेंगे, नहीं तो इसमें ज़्यादा उबाल आ जाएगा और ये नीचे से जल जाएगा। अब हम इसमें सॉल्ट, गरम मसाला और शुगर ऐड करेंगे एक एक करके। हम इसमें डालने वाले 1 चम्मच चीनी और इसे मिलाएंगे। हम इसमें ऐड कर देंगे 1/2 चम्मच गरम मसाला पाउडर और इसे मिक्स करेंगे। और हम इसमें ऐड करेंगे 1/2 चम्मच सॉल्ट और इसे मिलाएंगे। अब हम इसे पकाएंगे 5 से 6 मिनट सिम पे और फिर हमारा सूप तैयार हो जाएगा। अब हमारा टेस्टी टमाटो सूप बनके बिल्कुल तैयार है। आप चाहो तो इसके ऊपर ब्रेड क्रम्स भी डाल सकते हो। आप अगर ब्रेड क्रम्स का वीडियो देखना चाहते हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता देना, मैं ब्रेड क्रम्स का भी वीडियो बना दूंगा। ऐसी और टेस्टी वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब कर दो क्रंची मंची किचन को और लाइक कर दो इस वीडियो को और शेयर कर दो अपने फ्रेंड्स के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।